पंजाबी स्पोर्ट्स की कोई जानकारी लेनी होवे तो सानू फोन या ईमेल कर सकते हो या साडी वेबसाइट punjabisports.com ते जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मेरी पीरी क्रिकेट टूरनामेंट के दूसरे सैमीफाइनल विच गुलबर्ग ते एवस्पोर्ट दीआं टीमां दा मुकाबला होया। गुलबर्ग ने पहला बल्लेबाजी की कमाल की खेड दिखाई। एक्चुअली आ जी साड़ी टीम हैगी सारे मुंडे एलीट BCMCL खेडते हैं तो वी गॉट गुड टीम ऑफ हिटर्स है जेन्युइन 2020 साढ़े को 5-6 लड़के ने जो मैं लगता कि बाकी टीम च नहीं है और साड़ी टीम से जो नंबर 1+ पॉइंट हैगा वो साड़ी फील्डिंग हैगी कि वी आर गुड फील्डर्स सारे यंग है और एक्सैप्शनल 2020 प्लेयर्स है साड़ी टीम से मैं लगता कि BCMCL से बैटर 2020 प्लेयर है 50 ओवर की मैं नहीं गल कराँगा क्योंकि आज 20 छोटा फॉरमैट है तो साढ़े लिए छोटा फॉरमैट सानू सूट करता है। सेमीफाइनल से लिए राउंड रॉबिन से 4 गेमें खेली थी सी असी इन्हें ही टीम से एबरसोर्ड चो ही 1 गेम हारे सी ते बाकी असी वी प्लेड रियली गुड एंड वी वॉन ते फिर असी क्वार्टर फाइनल से असी परम की टीम हराए सी मैंने नाम नहीं पता ते इन टोटल आउट ऑफ 5 गेम्स वी वॉन 4 एंड वी लॉस्ट 1। आई थिंक मेरे हिसाब से टूरनामेंट एक गुड स्टार्ट हैगा फ्यूचर लिए अभी ये थोड़ी कमियाँ हैगी लेकिन वो पूरी हो जाएंगी तो मैंने दूजी चीज़ यह लगती है कि ये ऑर्गेनाइज बहुत बैटर सी तो दूजी चीज़ एक ग्राउंड कंडीशन है ऑसम ओवरऑल एक गुड होमवर्क किया गया सी जो एक फ्यूचर प्लेटफॉर्म रखेगा और एक अच्छे प्लेयर्स देगा क्योंकि जब मनी इन्वॉल्व हो जाती है स्पोर्ट्स में तो फिर एक जेन्युइन बात है कि प्लेयर आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो इसको फिर अपनी रोजी समझ के खेलता है तो इसलिए मनी के आने से ये लीग और बेटर होती जाएगी जिमें एनी अदर प्रोफेशनल लीग है जहाँ भी मनी होएगी वहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स होएंगी वहाँ पे प्लेयर्स बेटर होएंगे ऐसे इंडिया हो गया जेन्युइन ए ग्रेड कंट्रीज उन्होंने मनी हैगी स्पोर्ट्स से दैट्स व्हाई यू सी बेस्ट टैलेंट है। हूँ साड़ी परफॉर्मेंस चंगी हैगी जी मैं ओपन गया सी ते मैं 30 रन किए 10 बॉलों से ते हूँ आई थिंक वी आर डूइंग रियली गुड असी 12 रन की एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं तो अगर इस तरीके से चलता रहा तो मुझे लगता है 180-200 तक पहुँचेंगे जो शाम को चेस करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर तुम देखो तो विकेट स्लो हो जाएगी शाम तो नेरा पै जाता है तो इन्ना ईजी नहीं है और साढ़े को स्पिनर भी अच्छे हैं। बल्कियाज और जेजे ने धुएं धार बैटिंग की बल्कियाज ने सेंचुरी मारी और जेजे ने नॉट आउट हाफ सेंचुरी मार के अपनी टीम का स्कोर 200 तो उपर पहुँचा दिता। बारी जी थैंक्स टू गॉड बड़ी जबरदस्त रही जी अनएक्सपैक्टेड अनएक्सपैक्टेड की कहते हैं इन्हों खेडे अच लाइक उम्मीद नहीं कि इन्ना चंगा खेडेंगा लेकिन कोशिश की अपने वालों और थैंक्स टू गॉड टीम वास्ते गुड रनसा हुई मैदान से जो सैमीफाइनल हो मतलब काफ़ी वड्डा मैच है तो ऐसी कोई भी मेरे ख्याल न जिम्मेदारी लेनी चाहिए रिस्पोंसिबिलिटी गया बैटिंग तो सोचा कि चलो पहले कोशिश करो अपने आप में विकेट तो एडजस्ट करो जो शाटा शूटा लगन लग गई तो फिर लेट्स गो गो ऑन कैरी ऑन। मैं जी 3 मैच खेडे वहाँ तो एक मेरे ख्याल मैं 3 रनस किए एक 50 रनस किया तो तीजा मैच जिद मैं 100 रनस मारे जी। अजकल की क्रिकेट जी इन्नी फास्ट हो गई है मेरे ख्याल में जो ओपनर बैट्समैन चंगा खेडने वाला हो अग्रैसिव हो तो 100 बनाना लाइक एंटरटेनमेंट क्रिकेट है समटाइम मुश्किल भी होंगे समटाइम बहुत ईजी भी होंगे तुम तो सामने IPL की मिसाल है तो किन्ने स्कोर किन्ने 100 उत्थे हुए ने किन्ने 6 छक्के लगे ने उत्थे तो देख लो एंटरटेनमेंट क्रिकेट है 2020 100 जिहड़ा भी बैट्समैन विकेट ते खड़ा रहे व्यूअर ते आई थिंक सो 100 कर सकदा टीम बहुत अच्छी जी असी सिर्फ एक मैच लॉस्ट कीता सी लीग दा अपना बाकी साडी टीम बहुत अच्छी है 210 रन दा हदफ है लेट्स सी की बनदा हुण कोशिश करांगे अच्छी फील्डिंग करन दा ते बॉलिंग दा भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बल्कियास ने दी है और मैं उसके साथ पूरी देर खड़ा रहा और उसको पूरा सपोर्ट किया टिल एंड और उसकी इनिंग की वजह से हमारा 200 से ऊपर स्कोर हुआ और जिसकी वजह से मुझे भी कहते हैं हाफ सेंचुरी मिली और टीम के लिए बहुत अच्छा स्कोर है 217 बड़ा मुश्किल टारगेट होगा दूसरी टीम के लिए। प्रेशर तो नहीं था लेकिन बस ये था कि बल्कियास मेरे साथ खड़ा था दूसरे एंड में तो मेरी जॉब थी कि मैं स्टडी खेलूँ और बल्कियास हिटिंग करें तो उसी के कहते तरीके से हम जा रहे थे और उसी तरह चलते रहे चल 19th ओवर और फिर बल्कियास 19th ओवर में आउट हो गया तो उसके बाद क्या कहते हैं मैंने पूरा कहते एंड की गेम और 217 तक स्कोर लेके गया टीम का बहुत अच्छा लग रहा है ये पहला हमारा स्कोर है 200 से ऊपर का। परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी हमारी 217 रन 20 ओवर में करना आसान नहीं है एंड बल्कियास और जेजे दो हमारे सुपरस्टार एक कनाडा भी खेल चुका है और एक की पोटेंशियल है कनाडा खेलने की तो डेफिनेटली 100% वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय दोनों। गुलबर्ग आप लोग तो पहली बार कवरेज कर रहे हैं गुलबर्ग 11 इस शाम के 2020 के 5th फाइनल में पहुंची है हम लोग पिछले 5 साल से फाइनल में आ रहे हैं 2 दफ़ा जीते हैं और ये हमारी 5वीं ट्राई है
तो देखें अगर ऊपर वाले का रहा तो इस दफ़ा फिर जीतेंगे। ओवरऑल हम लोग एक ही गेम हारे और इन्हीं से हारे थे जिनको आज हराया, तो बदला भी ले लिया हम लोगों ने और अपने थोड़े से फाइनल के लिए हमारी स्ट्रैटेजियाँ भी पूरी हो गई हैं। देखें अब गोगी की टीम है, बहुत अच्छी टीम है, हम खेले नहीं हैं उनसे अभी तक पूरे राउंड में, तो लाइटली नहीं लेना है। फ्राइडे को देखिएगा, बहुत अच्छा फाइनल होगा। देखिए स्ट्रैटेजी हमारी यही थी कि वी गो एंड प्ले अग्रेसिव। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी हमेशा से हर टूर्नामेंट में हर गेम में यही रही है कि ऊपर से हमें रन करें और उसके बाद अगर लड़के आउट हो जाते हैं तो फिर नीचे वाले लड़के अपने 1-2 1-1 2-2 रन लेके ना स्कोर को कम्प्लीट करें। तो यही हमारी हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है कि गो अग्रेसिव फ्रॉम द फर्स्ट 6 ओवर्स और उसके बाद फिर आके अपनी प्लानिंग, अगर दोबारा आउट हो जाते हैं तो फिर पुल बैक करके अपना नॉर्मल स्कोर फिनिश कर लें। बॉलिंग थोड़ी सी हमारी वीक थी, हमारे दो लड़के मिसिंग थे, एक वापस आ जाएगा फ्राइडे को, एक चला गया है वापस इंडिया, तो बट ये कि जो फ्राइडे का बॉलर आएगा उससे हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ दोबारा वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 217 चेस करना आसान नहीं है, हमारी थोड़ी बॉलिंग वीक थी, बट फ्राइडे को हम पूरी तब से बेस्ट टीम लेके ग्राउंड में उतरेंगे। एब्स फोर्ड ने शुरुआती ओवरों में ही काफ़ी विकटा गुआ लिया और सारी टीम 100 के अंकड़े के नज़दीक आउट हो गई। सारे टूर्नामेंट की लाइव वीडियो कवरेज पंजाबी स्पोर्ट्स .com उपर दिखाई गई। गोल्डी ढिलों, पंजाबी स्पोर्ट्स, सरी।